आदाब दोस्तों, मैं आपका आरफील। देश और दुनिया में तमाम तरह की उथल पुथल चल रही है, अपने देश में भी और बाहर भी। खैर हमें क्या, चलता रहे, हम तो शायर आदमी है, शायरी करते रहेंगे। तो इसी बात पर याद आया एक तड़कता भड़कता हुआ शेर। हालांकि ये मेरा नहीं है, लेकिन आशा करते हैं कि आप हजम कर जाएंगे। तो अर्ज किया है कि कौवा कुर्सी पाए के बन गया अफलातून, कौवा कुर्सी पाए के बन गया अफलातून, रंग जमावे प्रधानी के कहे मई का जून। अब मई जून से याद आया कि किसान जो अपने हैं वो सड़कों पर हैं। माथा चकराने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मई जून से कैसे याद आया जबकि वो ठंड में बैठे हुए हैं। अरे भाई, अपने सरकार के जो लोग हैं ना, जो सरकारी लोग हैं, वो तो दफ्तर में बैठे हैं पूरी की पूरी। कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसान ठंड में बैठे हैं, बारिश हो रही है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, क्या मतलब। अपना तो गर्म गर्म बिस्तर और बढ़िया गर्म गर्म कमरे हैं, उसमें बैठे हैं, तो मई जून वाली फीलिंग तो आ ही रही होगी, तो क्या मतलब क्या। और वो अच्छी बात भी है, कहाँ इन सब चक्करों में पड़ना चाहिए। किसान हैं ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, हमेशा से आंदोलन आंदोलन इनका चलता रहता है, तो ठीक है। और ऊपर से दूसरी बात अगर देखा भी जाए तो कोरोना चल रहा है। अपने मोटा भाई एक बार तो विदेश से भी लौट कर आए हैं, तो दोबारा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलने दीजिए ऐसे ही। तो खैर, अब जो आपको मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसको किसी से रिलेट मत करिएगा। हाँ, जो पिछली पंक्ति मैंने दोहराई थी खासकर उससे तो बिल्कुल नहीं। हाँ, वही वाली कौवा कुर्सी अफलातून, उससे तो बिल्कुल भी मत रिलेट करिएगा। अगर खुदा ना खास्ता आप रिलेट करते भी हैं तो ये आपके टैलेंट के ऊपर है। खैर देखिए ये वीडियो। आज 36 बिरादरी खेतों के अंदर काम करने का काम करती है, आज आप उस किसान की पीठ तोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं सदन के एक एक साथी से अपील करूंगा कि उस किसान को बचाने का आप काम करें। हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल इस बिल का पूर्ण तौर पर विरोध करती है। बीजेपी वालों के पास दो ताकतें हैं, एक ताकत है मनी पावर, पैसे की ताकत, और दूसरी ताकत है इनकी मीडिया की ताकत। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना। अरे भैया, हंसी निकल गई इस बात पर, क्योंकि ये वही दुष्यंत जी हैं जो चुनाव से पहले, हरियाणा चुनाव से पहले, कांग्रेस और बीजेपी को पानी पी पी कर थोड़ा भावुक हो गया क्या, वो पानी पे इसलिए अटक गया क्योंकि किडनी में स्टोन है और डॉक्टर ने कहा है कि यार पानी ज्यादा पियो। खैर, पानी पी पी कर ये कांग्रेस और बीजेपी को कोसते थे, और आज उन्हीं के समर्थन में सरकार है। मुख्यमंत्री वो है जिनका किसान विरोध कर रहे हैं, खट्टर साहब। हालांकि मैं जिस तरह का विरोध किया गया खट्टर साहब के साथ, मैं उसका समर्थन कतई नहीं करता हूँ। हिंसा को कहीं जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन खैर अब ज्यादा कुछ कहने की तो जरूरत है नहीं। इसी पानी से दुष्यंत जी ने कुल्ली कर दी है, सुनिए। प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पहले दिन भी कहा था कि जब तक हम गवर्नमेंट में है, किसान के एक एक दाने की MSP हम मशहूर करने का काम करेंगे। पहली सेकंड कर चुका हूं कि आज किसान को उसकी फसल का दाम जो आज वो मांग रहा है MSP पे तौर पर, जब तक मैं अशोर कर पाऊंगा मैं यहाँ बैठा हूँ। जिस दिन मैं अशोर नहीं कर पाऊंगा मैं सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करूँ। दुष्यंत साहब, अर्ज किया है, क्या करें, शायर आदमी है, बात बात पर अर्ज निकल जाता है, झेल लीजिए थोड़ा। अर्ज किया, रफीक शादानी जी का शेर है, अर्ज किया है कि तुम चाहत हो भाईचारा, उल्लू हो देखे लागे दिने मतारा, उल्लू हो समय का समझो यार इशारा, उल्लू हो तुम हो मारो हाथ करारा, उल्लू हो कहाँ पड़े हो चक्कर में इन सब के। दुष्यंत बाबू, इतने बाबू जी का बयान जो आया,
देखेंगे, सोचेंगे, फिर कुछ करेंगे। तो टेस्ट मैच याद आ गया, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो याद आ गया कि जैसे कमेंट्री में कहते नहीं है कि गेंद को जांचा, परखा, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, बाबूजी वैसे ही छोड़ रहे हैं, जाने दे रहे विकेट कीपर के दस्तानों में। लेकिन बाबूजी एक बात याद रखना, जब बॉलर बाहर की ओर गेंद निकालता है और आप छोड़ते हैं तो अगली गेंद वो अंदर की ओर जरूर लाता है, तो गुल्लिया बचाइएगा कि कहीं स्टंप उखड़ ना जाए। लेकिन खैर हमें समझते हैं कि आपका डिफेंस बहुत मजबूत होगा, उम्मीद तो यही करते हैं कि डिफेंस मजबूत हो आपका और लंबी पारी खेलें। तो याद रखिएगा सिर्फ इश्क ही नहीं राजनीति में भी ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। सुनिए इनको, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किसानों की नाराजगी, किसानों के विरोध को देखते हुए दुष्यंत चौटाला का दौरा रद्द करना पड़ा। किसानों ने कहा कि जब तक दुष्यंत चौटाला किसानों का समर्थन नहीं करेंगे तब तक उन्हें इस इलाके में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी विरोध किया। अरे 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 दादा, नोटिस ना भेजिएगा, किसी और का शेर है हमने चिपका दिया, ना कहां मुंह और मसूर की दाल, हमारा नहीं है दूसरे का है। तो मेरी बातों से ज्यादा मेरे भाव को दिल पे लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि किसानों के लिए कुछ करिए, ठीक है? इजाजत दीजिए, उतर जाइएगा, धन्यवाद।